लिमिट फिट और टॉलरेंस के भागदौड़ में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में फिट्स के प्रकार और होल बेसिस सिस्टम तथा सॉफ्ट बेसिस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिमिट फिट और टॉलरेंस से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म्स यानी कि जो परिभाषाएँ हैं उसके बारे में पढ़ा था। आइए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मूलभूत विचलन यानी कि फंडामेंटल डेविएशन के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल डेविएशन विभिन्न क्लासेस की फिट को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कि हम दो पार्टों की फिटिंग कर रहे हैं तो उन पार्टों की फिटिंग करते समय उसमें कितना गैप होना चाहिए या कितनी छूट हम प्रदान करेंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। उसमें विभिन्न इंग्लिश के लेटर प्रयोग करते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करके टोटल 25 जो है मूलभूत विचलन जो है बनाई गई हैं। इस विचलन से यह होगा कि कितनी छूट हम प्रदान करेंगे, ये जो है एक स्टैंडर्ड हमने बना दिया है। होल के लिए कैपिटल लेटर का सिंबल हम लोग प्रयोग करते हैं और सॉफ्ट के लिए स्मॉल लेटर का सिंबल प्रयोग करते हैं। जो भी विचलन हम देते हैं वो सभी माइक्रॉन्स में होती हैं। कुल 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं जिसमें ए से लेके जेड तक के अक्षरों में आई एल ओ क्यू बी को छोड़ के बाकी सारे शब्द होते हैं। इसके अलावा जे एस जेड ए जेड बी जेड सी, ये जो है कुछ नए जो है उसमें सिंबल ऐड किए जाते हैं। होल और सॉफ्ट के लिए सिंबल एक ही होते हैं, बस होल्स के जो डेविएशन के लिए सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं, जबकि सॉफ्ट के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। मूलभूत टॉलरेंस यानी कि फंडामेंटल टॉलरेंस, इनको हम टॉलरेंस ग्रेड भी कहते हैं। बी आई एस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक स्टैंडर्ड जो है उसके अंतर्गत कुल 18 ग्रेड जो है वो मूलभूत टॉलरेंस के बनाए गए हैं, जिन्हें हम IT01, ITO, IT1, 2, 3, 4 ऐसे करके कुल IT16 तक है। टॉलरेंस जो है ये हमारा निर्माण विधि की परिशुद्धता को बताता है, यानी कि जो हम बना रहे हैं वो कितना परिशुद्ध है उसके आगे हम लोग वो वाला ग्रेड यूज करेंगे तो उससे पता लगेगा कि ये इस ग्रेड में बनाया गया है तो ये कितना परिशुद्ध होगा। इस फंडामेंटल टॉलरेंस में हम निर्माण की परिशुद्धता को बताते हैं, किस ग्रेड का प्रयोग हम किस चीज के निर्माण में करते हैं उसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में जानेंगे। जैसे हमारा IT01 से लेकर IT4 तक है, यह गेज व मापने वाले औजारों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा IT5 से IT7 तक ये हमारा परिशुद्ध इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जो फिटिंग होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। IT8 से IT11 तक ये साधारण इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। IT12 से IT14 तक यह सीट मेटल व प्रेस कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसी तरह IT15 से IT16 तक यह हमारा कास्टिंग व कटिंग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इस चित्र में हमें होल्स और सॉफ्ट के लिए जो हमारे फंडामेंटल डेविएशन वाले सिंबल प्रयोग किए जाते हैं उसमें क्या क्या जो है टॉलरेंस प्रयोग की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉलरेंस माइक्रोन में दिया हुआ है। ये हमारे होल्स के लिए है, ये हमारे सॉफ्ट के लिए है, यहाँ पे बेसिक साइज की लाइन है। जैसे मान लो कि हम कोई भी साइज यू प्रयोग करते हैं, मान लो यहाँ पे जैसे के का हम प्रयोग कर रहे हैं तो के आप देख सकते हैं कि इसका एक सिरा जो है बेसिक लाइन पे है और दूसरा सिरा प्लस 100 पे है, यानी कि कहीं भी हम अगर के शब्द का प्रयोग करेंगे इसका मतलब है कि इसमें जो भी टॉलरेंस हम देंगे वो 100 माइक्रोन से लेके 0 माइक्रोन के बीच में होगा। इसके अलावा जो विभिन्न हम सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं जो भी प्रयोग करेंगे उसमें टॉलरेंस का लिमिट कितना होगा, प्लस या माइनस में होगा, उसके बारे में हम इस चित्र में देख सकते हैं। अब हम होल सॉफ्ट और फिट के लिए जो सिंबल प्रयोग किए जाते हैं कैसे प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 50H8 जहां पे H कैपिटल लेटर में है तो इसका मतलब है कि ये होल के लिए है, क्योंकि होल के लिए हम कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो 50 है ये हमारा बेसिक साइज है, जो H है ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन है और जो 8 है ये IT ग्रेड IT08 है। अब इसको कंबाइंड जो है हम टॉलरेंस ग्रेड कहते हैं। इसी तरह अगर हमारा 50F7 कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारा 50 है ये बेसिक साइज है, क्योंकि F जो है स्मॉल लेटर में है इसलिए ये सॉफ्ट के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह 7 जो है हमारा IT ग्रेड है और F जो है वो फंडामेंटल डेविएशन है। और अगर कहीं पे ऐसे दिया हुआ है 50H8 उसके बाद /F7, इसका मतलब ये है कि ये जो है फिटिंग के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब इसमें सॉफ्ट और होल दोनों है तो ये जो है फिटिंग के लिए प्रयोग किया गया है।
यहाँ पे 50 बेसिक साइज है, H8 जो है हमारा होल का टॉलरेंस है और F7 जो है वो शाफ्ट का टॉलरेंस है, और ये हमारा जो है H8 F7 ये कंबाइंड रूप से फिटिंग को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फिट और उनके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। फिट क्या होता है? असेंबली से पूर्व डायमेंशनल अंतर के सापेक्ष दो मिलने वाले भाग होल व शाफ्ट के मध्य का जो संबंध होता है वह जो है फिट होता है। मिलने वाले दो पार्टों की प्रकृति यह होती है, या तो वह टाइट होगा या तो लूज होगा। कहने का मतलब यह है, जैसे हम लोगों ने घर पे भी देखा होगा, घर पे जब हम पाइप आदि की फिटिंग कराते हैं तो उसमें एक साइड जो है होल का आकार होता है, दूसरी साइड एक लंबी पाइप का प्रयोग करते हैं तो वो हम शाफ्ट समझ सकते हैं। तो अगर हम उनको आपस में फिट करते हैं तो या तो वह लूज होगा या तो वह टाइट होगा। यह जो प्रकृति जो है बताती है, इसी को हम फिटिंग कहते हैं। हम कहते हैं इसकी फिटिंग सही हुई है, इसकी फिटिंग सही नहीं हुई है। ये हम कैसे जज करते हैं? अगर वो बढ़िया से फिट है, आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं टाइट फिटिंग है। अगर आसानी से निकल जा रहा है, कहते हैं हम लूज फिटिंग है। तो इसी चीज को हम फिटिंग बोलते हैं। फिट के प्रकार, फिट का पहला प्रकार है क्लियरेंस फिट। इस फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है, इसलिए शाफ्ट जो है आसानी से होल में फिट हो जाती है। क्योंकि होल व शाफ्ट के मध्य सदैव क्लियरेंस रहता है, इसीलिए हम इसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। क्लियरेंस फिट को आगे दो और भागों में बांटा गया है, जिसमें हम स्लाइड फिट या रनिंग फिट भी कहते हैं। अधिकतम क्लियरेंस क्या होता है? होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज दोनों को जो हम माइनस करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो अधिकतम क्लियरेंस प्राप्त होगा। किसी तरह न्यूनतम क्लियरेंस होगा वो होगा होल का न्यूनतम साइज माइनस शाफ्ट का अधिकतम साइज। अब हम लोग क्लियरेंस फिट को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए कोई फिटिंग है जिसका जो है साइज दिया हुआ है 20H7G6, जहाँ पे 20 जो है हमारा बेसिक साइज है, H7 हमारा होल का टॉलरेंस है और G7 हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस है। आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे पास एक चार्ट उपलब्ध होता है जिसमें देखकर हम किसी भी फंडामेंटल डेविएशन के लिए कितना टॉलरेंस होता है वो हम निकाल सकते हैं। तो उस चार्ट से हम लोग देखेंगे कि 20H7 होल के लिए कितना विचलन होगा। तो उसमें दिया रहेगा कि प्लस साइड हमारा 21 जो है विचलन है और माइनस साइड में कोई विचलन नहीं है, यानी कि वो जीरो है। क्योंकि हमारा जो भी विचलन यानी कि डेविएशन होता है वो माइक्रोन में होता है, इसलिए होल की लिमिट हो जाएगी 20 प्लस 0.21, यानी कि 20.021 ये हमारी ऊपरी लिमिट हो जाएगी, और दूसरी हमारी निचली लिमिट हो जाएगी 20 प्लस 0, क्योंकि नीचे साइड कोई उसमें जो है डेविएशन नहीं है, तो ये हमारा 20 mm हो जाएगा। इसी तरह अब हम शाफ्ट के लिए डेविएशन निकालते हैं तो 20G6 शाफ्ट के लिए डेविएशन जो उसमें दिखाएगा चार्ट में वो -7 और -20 होगा। तो हम शाफ्ट की लिमिट निकालेंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस 0.07, ये आ जाएगा 19.993। इसी तरह दूसरी हमारा लिमिट आ जाएगी 19.980। अब हम अधिकतम क्लियरेंस निकालेंगे। अधिकतम क्लियरेंस होता है होल का अधिकतम साइज जो कि है 20.021 माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज। तो शाफ्ट का न्यूनतम साइज है 19.980, अधिकतम क्लियरेंस आ जाएगा। इसी तरह न्यूनतम क्लियरेंस होगा शाफ्ट का न्यूनतम, इसी तरह न्यूनतम क्लियरेंस होगा होल का न्यूनतम साइज यानी कि 20 माइनस शाफ्ट का अधिकतम साइज 19.993, दिया जाएगा हमारा 0.007। इस तरह हम लोग क्लियरेंस फिट को निकालते हैं। फिट का अगला प्रकार है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का साइज होल के साइज से ज्यादा होता है, पार्टों में कोई क्लियरेंस नहीं होता है। फिटिंग बाह्य बल या प्रेशर द्वारा की जाती है, क्योंकि जिस होल में हम जो है शाफ्ट डाल रहे हैं उसका साइज कम है तो आसानी से उसके अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें बाह्य बल या प्रेशर द्वारा फिटिंग करेंगे। इसको आगे जो है फोर्स फिट, श्रिंक फिट और ड्राइविंग फिट में क्लासिफाई किया गया है। इंटरफेरेंस फिट में अधिकतम इंटरफेरेंस कैसे निकालेंगे? वो होगा हमारा शाफ्ट का अधिकतम साइज माइनस होल का न्यूनतम साइज। इसी तरह न्यूनतम इंटरफेरेंस निकालने के लिए शाफ्ट का न्यूनतम साइज माइनस होल का अधिकतम साइज करेंगे तो हमें न्यूनतम इंटरफेरेंस प्राप्त होगी। अब हम लोग इंटरफेरेंस फिट को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई फिटिंग है जिसका साइज दिया हुआ है 25H7-P6।
यहाँ पे 25 हमारा बेसिक साइज है, H7 हमारा होल का टॉलरेंस है और P6 हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस है। इसको जो है हम चार्ट से देख के निकाल लेंगे तो होल की लिमिट हमें मिलेगी 25 और 25.021, इसी तरह शाफ्ट की लिमिट हमें मिलेगी 25.022 और 25.035। ये सारा जो है हमें फंडामेंटल डेविएशंस के लिए जो टॉलरेंस होते हैं उसको हम चार्ट से देख के निकाल लेंगे। उसके बाद शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा है, इसीलिए ये वाली फिट जो है इंटरफेरेंस फिट है। आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं, ये हमारा होल का साइज दिया हुआ है, ये शाफ्ट का साइज दिया हुआ है, शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा है, इसीलिए ये वाली फिट इंटरफेरेंस फिट है। अधिकतम इंटरफेरेंस होगा शाफ्ट का अधिकतम साइज यानी कि 25.035 माइनस होल का न्यूनतम साइज दिया जाएगा 0.035। इसी तरह न्यूनतम इंटरफेरेंस होगा शाफ्ट का न्यूनतम साइज यानी कि 25.022 माइनस होल का अधिकतम साइज दिया जाएगा 0.001। इस तरह हम लोग इंटरफेरेंस फिट को निकालते हैं। फिट का अगला प्रकार है ट्रांजिशन फिट। इस फिट में होल व शाफ्ट के टॉलरेंस जोन ओवरलैप करते हैं। फिट ना तो लूज ना ही टाइट होती है, कहने का मतलब है कि उसके बीच में रखते हैं। फिट कभी क्लियरेंस तो कभी इंटरफेरेंस प्रदान करता है। अब हम लोग ट्रांजिशन फिट को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई फिटिंग है जिसका साइज दिया हुआ है 75H8J7, तो इसमें अधिकतम क्लियरेंस हम कैसे निकालेंगे? होल का अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज दिया जाएगा 75.046 माइनस 74.988, तो ये आ जाएगा 0.58 mm। ये हमारा क्लियरेंस फिट है। इसी तरह यदि होल का साइज 75 mm है व शाफ्ट का साइज 75.08 है, तो आप देख सकते हैं कि शाफ्ट का साइज होल के साइज से ज़्यादा है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट है। तो इस तरह इसमें दोनों फिट प्रदान हो रही है, इसीलिए ये ट्रांजिशन फिट है। होल व शाफ्ट की फिटिंग के लिए होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में होल या शाफ्ट में से किसी एक का साइज स्थिर रख के बाकी दूसरे को कम ज़्यादा करके फिटिंग प्राप्त की जाती है। हम लोग होल बेसिस सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसमें होल का साइज स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट का साइज विभिन्न क्लास की फिट को प्राप्त करने के लिए परिवर्तित किया जाता है, यानी कि उसको हम आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करते हैं। मूलभूत विचलन में एच का प्रयोग करते हैं। एच जो है जिसका लोअर डेविएशन शून्य होता है उसे हम बेसिक होल भी कहते हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट की माप स्थिर रखी जाती है जबकि होल का साइज परिवर्तित करके विभिन्न माप की फिट हम प्राप्त करते हैं। स्मॉल एच का प्रयोग मूलभूत विचलन में किया जाता है क्योंकि स्मॉल एच का ऊपरी विचलन शून्य होता है, इसलिए इसे बेसिक शाफ्ट भी कहते हैं। होल व शाफ्ट बेसिस सिस्टम में होल बेसिस सिस्टम का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि शाफ्ट का डायमेंशन जो है होल की अपेक्षा एडजस्ट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि शाफ्ट में हमें बाहरी डायमेंशन जो है मेंटेन करना होता है जबकि होल में आंतरिक डायमेंशन मेंटेन करना होता है जिसको एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम लोग होल बेसिस सिस्टम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं।